नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। नजर डालते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। 20 अक्टूबर को प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके साथ 109 कैबिनेट मेंबर्स ने भी शपथ ली है। सुबियांतो ने नए कैबिनेट को इंडोनेशिया के झंडे के रंग के आधार पर रेड एंड व्हाइट कैबिनेट नाम दिया है। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 497 पदों पर भर्ती निकली है। 18 से 35 साल की 12वीं पास कैंडिडेट्स इन भर्ती के लिए 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ₹8,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर दो फैसले दिए। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। समाजवादी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए अप शब्दों का इस्तेमाल किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब मुर्दों को जिंदा करे हो तो वो भूत बन जाते हैं। कहाँ है वो? अब भी मंदिर और बाबरी मस्जिद दिख रहा है। जयपुर में हजारों छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम खून से एक पत्र लिखा। भर्तियों को रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर भी लगाया, जिसमें हमारी आवाज सुनो के नारे लिखे गए। राजस्थान कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव में बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को साफ कहा कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा दिनांक 7 और 8 अगस्त 2024 को 2 दिन तक फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के रिकॉर्ड निरीक्षण करने पर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन संस्था ने रिकॉर्ड दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2024 के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस बार यह अवार्ड ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को दिया जाएगा। सदगुरु पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली 50,000 कनाडाई डॉलर की धनराशि कावेरी कॉलिंग संस्था को देंगे। यह संस्था भारत में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करती है। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल किया है। कहा जा रहा है कि सोनी ने इस पोस्ट के जरिए कंगना रनौत के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें कंगना ने विच यानी चुड़ैल की परिभाषा दी थी, जिसे सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट से जोड़ा गया था। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।